जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। कार, मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के शेखर टॉकीज में है और ये शेखर टॉकीज में एक फिल्म लगी हुई है, द कश्मीर फाइल। अभी रात के 9 बज रहे हैं, कई लोगों ने यहाँ फिल्म देख के निकले हैं, क्या कहेंगे फिल्म देख के? फिल्म देखने के बाद तो ऐसा लगा कि मन बेचैन और खून गर्म हो गया, जैसे कि ये लोग वहाँ किए हैं, उसको देखने के बाद मानवता शर्मसार हो रहा है। फिल्म देखा है, क्या फिल्म मैसेज देता है? फिल्म मैसेज ये दे रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों पे जो इतनी मतलब ज्यादती हुई है वो कल्पना से परे है, और आज मोदी साहब जो कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये ईश्वर का वरदान है हम सब के लिए कि ऐसा फिर दोबारा इतिहास में ना हो। आपने देखा है? जी सर, देखा है। क्या कहेंगे फिल्म देख के? फिल्म देख के कहें कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, लेकिन दिल दहला देगा ये चीज़ जो हुआ है। वाकई दिल को झकझोर देने वाली फिल्म है। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह तड़पाया गया है, मारा गया है, उस समय 370 हटने की बात हुई थी जिसको हमारे मोदी जी ने करके दिखाया, और मोदी जी रहेंगे तो हम सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। क्या कहेंगे इस फिल्म देख के? ये तो फिल्म तो वाकई हम लोगों को भावुकता कुछ विभोर हो गए हम लोग, और हमारी जो अभी वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार चल रही है, हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पीओके में पिकनिक बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 तक। पिक्चर है, मल्टीप्लेक्स ऑल सोच पैक जा रही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सराहना हो रहा है समस्तीपुर में। अभी जब वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा है, कैंडल मार्च के साथ लोग 10-10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट हर जगह घूम रहे हैं, इस तरह से इसका पब्लिसिटी हो रहा है, पिक्चर बहुत अच्छा जा रहा है। ये पिक्चर अभी फिलहाल 300 में चल रही है, 11 बजे, 2 बजे, 5, 6 बजे, ये 300 चल रही है। होली बाद हो सकता है कि 400 किया जाए, बस यही तकनीकी थोड़ा खराबी है, वो ठीक होने जा रहा है। साउंड वगैरह की प्रॉब्लम? हाँ, साउंड वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगला एक कल इसका ठीक हो जाएगा। आज रात में अपील करना चाहते हैं, क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से अपील लोगों से अपील यही करना चाह रहे हैं कि एक बार आ करके अवश्य देखें, पिक्चर अच्छी बनी है, हर आदमी को देखने योग्य पिक्चर है, समझदारी का पिक्चर है, देखिएगा आगे सीखिएगा। आपने देखा कि कई लोगों ने बताया कि इस फिल्म का क्या मैसेज है, क्या संदेश है। वाकई में ये फिल्म जो है वो भारत के जो भूत है, अतीत है, जो वर्तमान है और भविष्य, तीनों की ओर इशारा ये फिल्म कर रही है। और पहली बार किसी ने, विवेक अग्निहोत्री ने पहली बार डेयर करके ऐसी सच्चाई को पर्दे पे लाया है, और शायद केंद्र की ऐसी सरकार है कि इतनी सच्चाई ये पर्दे पे आई है। ऐसे विश्व में कई त्रासदियाँ हुई हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में एक जो कश्मीर में त्रासदी हुई थी 19 जनवरी 1990 को, वो आया है। इसलिए नारद मीडिया भी आपसे, सभी दर्शकों से अपील करता है कि एक बार आप आइए और इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में जो सच्चाई है, जो समाज की सच्चाई है, इससे आप जो मुँह फिरे रहते हैं कि ये मेरे पे नहीं होगा, ये मेरे पे नहीं होगा, आप याद रखिए वो कश्मीर छोड़ के दिल्ली आए हैं, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, आपको मौत के सिवा कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे ऐसे फिल्म को देखिए और देखने से आपके अंदर जागरूकता आएगी। अंतिम में यही कहा जा सकता है, तू पत्थर की ऐठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे।